नमस्कार दोस्तों, मम्मल बोनसाई में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने जो ये जंगल जलेबी की कटिंग ली थी वो ग्रो करेंगे। एज ए कटिंग ग्रो करूँगा मैं इसको। मैंने पहले भी एक कटिंग लगाई है, ये जो कटिंग है इसको हम ग्रो करेंगे। तो पहले हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं कटिंग के लिए। देखिए, मैं इसको ऐसे ही ग्रो करूँगा, डबल ट्रंक, सिंगल सिंगल नहीं करूँगा, ऐसे ही लगा दूँगा। तो उसके लिए पहले मैं इसके जो लीव्स हैं उनको थोड़ा काट देते हैं, ये काफ़ी है। हमें सिर्फ लीव्स काटने हैं, लीव्स की जो ये स्टिक्स ही है ये नहीं काटनी, बिल्कुल जड़ से नहीं काटना इसको। तो सिर्फ लीव्स काट देंगे इसके। मोस्टली लीव्स इसके हमने काट दिए हैं, अब ये रेडी है। तो सबसे पहले अब हम इसको क्या करना होगा, जो ये जो कट है इसका, इसको थोड़ा शार्प कट करना होगा। तो उसके लिए मैं ब्लेड ले लेता हूँ और इसको ब्लेड से काटता हूँ। जैसे हम स्कूल में पेंसिल छीलते थे ब्लेड से, ये सेम वैसे ही करना होगा। जैसे पेंसिल को शार्प करते थे आगे से, वैसे हम इसको बिल्कुल शार्प जब हो जाएगी तब तक काटेंगे। ओके दोस्तों, अब ये अच्छे से शार्प हो गई है। अब मैं इसको ये जो बोतल का जो मैंने छोटे छोटे पॉट बनाए थे, देखिए ये वाला, मैं इसमें इसको ग्रो करूँगा। दोस्तों, मैं इस पर थोड़ा सा रूट हार्मोन लगा के देखूँगा। वैसे ये बिना रूट हार्मोन से भी ग्रो कर सकती है। तो मैंने ये रूट हार्मोन पाउडर है ये लगाया है, और इसके बाद इसमें सिर्फ इसको यहाँ पर प्लांट कर दूँगा। ये देखिए, हमने इसको यहाँ प्लांट किया है, और अब हमें सिर्फ इतना करना होगा कि इसके अंदर वाटर डालना है। वाटरिंग के बाद इसको हम पॉलीथीन बैग से कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दूँगा, सिर्फ इतना डालना है कि ये सारा सॉइल जो है गीला हो जाए, और जो इसके अंदर बोटल के अंदर होल होने ज़रूरी है। तो मैंने इसमें 5 होल कर रखे हैं, तो उसकी वजह से क्या, जो एक्स्ट्रा वाटर नीचे निकल जाएगा, बिकॉज ये जो सॉइल है ये भी ड्रेनिंग सॉइल है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉइल और डाल दूंगा ऊपर से, ताकि ये बाद में हिले ना, बिकॉज कटिंग अगर हिल जाएगी लगने के बाद तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगा इसके अंदर, और थोड़ा वाटर और डाल देंगे। मैं सोच रहा हूँ जो ये छोटी जो ब्रांचे थी फिन, इनको भी ग्रो करके देखते हैं। हमको तो नीचे फेंकनी तो है ही, तो क्यों ना इसके अंदर ही लगा दें इसको। तो मैं इनको भी इसमें लगा देता हूँ। दोस्तों, हमने ये 3 जो कटिंग है और छोटी वाली लगा दी है। अब हम इसको पॉलीथीन बैग से कवर रख के मैं इसको गार्डन में, जहाँ छाया है शेड के अंदर, फुल शेड में रखूँगा, धूप में नहीं रखूँगा। और फिर हम बाद में इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। ओके दोस्तों, अब इसका जो वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो चुका है, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करते टाइम ये ध्यान रखिए, पहले तो जो आप पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको इसकी प्रोग्रेस दिखती रहे। और सेकंड ये है कि जब आप इसको पॉलीथीन बैग से कवर करो, तो ये ध्यान रहे कि जो कटिंग्स है वो हिले ना, और बाद में इसको तब तक हमको इसको रिमूव नहीं करना जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। बहुत ही केयरफुली आराम से इसको कवर करना है, और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसमें हवा वगैरह ना लगे, क्योंकि अगर तेज़ हवा चली तो ये पॉलीथीन बैग हिलने की वजह से ये सारी कटिंग्स हिल सकती है। हम इसको ऐसे ही रख देंगे, और इसकी जो
स्टेटस है इसका, चेक करते हैं कि ये ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोस्तों ये हमारी जंगल जलेबी की ट्री है जो हमने कटिंग से लगाई थी। देखिए इस पे जो ये ब्रांच है ये नई है और ये लीफ भी नए हैं, ये वाले भी नए हैं। ये अच्छे से ग्रो कर रही है कटिंग। और इस ब्रांच पे भी देखिए आपको बिल्कुल छोटे छोटे लीफ दिख रहे होंगे, ये वाला देखिए, और ऊपर भी और साइडों में भी है। तो दोस्तों इस तरह से हम जंगल जलेबी की कटिंग भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में इसकी एयर लेयरिंग भी करके देखूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास इसका बड़ा ट्री नहीं है, तो मैं कोई बड़ा ट्री पहले ढूंढूंगा और उस पर एयर लेयरिंग करके देखूंगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।